अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फाइनली आईएमएफ से एग्रीमेंट स्टाफ लेवल का हो गया है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। जब इमरान खान की सरकार ने 2021 में आईएमएफ से एग्रीमेंट किया था तो इसहाक डार ने ट्वीट की थी कि व्हाट अ शेमफुल सरेंडर ऑफ इमरान नियाजी। अब मुबारकबादें दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की ट्वीट कर रहे हैं। भीख मिलना जिसके लिए खुशखबरी हो, उसको कम से कम दुनिया की सातवीं बड़ी फौजी पावर और एटॉमिक पावर और ये कहलाने का कोई हक नहीं है। ये इंतहाई बेगैरत और बेशरम लोगों का टोला है जो पाकिस्तान पे हमेशा से रूल करता आया है। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट वीक पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग हेड की थी जिसमें टेबल के इस तरफ सिविलियन बैठे थे और इस तरफ फौजी बैठे थे। वो दरअसल इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आधे सिविलियन थे, आधे फौजी थे। जो सिविलियन थे वो सारे पॉलिटिशियन थे जिनको अलिफ बे भी नहीं पता इकोनॉमी की, और फौजी थे, फौजियों का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो इन चीज़ों को बारीकी को समझते हैं कि किस तरह इकोनॉमी बेहतर करनी है, किस तरह मुश्किलात से निकलना है। लेकिन एक भी इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट की टीम में नहीं है। अगर आप इसहाक डार को इकोनॉमिस्ट समझते हैं ना, तो फिर आपके उस पर मतलब आदमी क्या कह सकता है कि इसहाक डार एक फारिग आदमी है, सिर्फ नवाज शरीफ का समधी होना इसकी क्वालिफिकेशन है। उसने अगर इकोनॉमी संभालनी होती तो बात ही क्या है। अजीज दोस्तों, शब्बर जैदी जो इमरान खान के दौर में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर थे, उन्होंने अभी कहा है कि इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान इकोनॉमी को $100 बिलियन से ज़्यादा का झटका दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार अपने पहले ही साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर चुकी थी। उनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है। और आपको याद होगा कि इमरान खान का भी जो टॉप इकोनॉमिस्ट था वो असद उमर था, और उसने सत्यानाश कर दिया था इकोनॉमी का, और इमरान खान को फौरन मुशर्रफ के दौर के शौकत तरीन को लाना पड़ा, और फिर आईएमएफ के एम्प्लॉई अब्दुल हफीज शेख को लाना पड़ा, और फिर आईएमएफ के तरले मिनते करके तो आईएमएफ के एम्प्लॉई को स्टेट बैंक का डायरेक्टर बनाया, आईएमएफ के एम्प्लॉई को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और इस तरह करके जैसे तैसे बैसाखियों पे इकोनॉमी को लेके चला। इमरान खान के पास आज भी कोई प्लान नहीं है इकोनॉमी का। इससे आप सिर्फ ईया का नाबुदो वरना ईया का नस्ताइन से भाषण सुन लें आप। तो अजीज दोस्तों, ये कहानी है, मैं आपको क्या डील हुई है उस पर ज़रा डिटेल में समझाना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक्चुअली एक बैंक है जहाँ अमीर लोग अपने पैसे रखते हैं और गरीब मुल्क अपने पैसे निकालते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह 44 कंट्रीज़ ने आईएमएफ की बुनियाद रखी, और आईएमएफ का मकसद होता है उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी को सहारा देना। लेकिन इसका ये पॉइंट ऑन पेपर है, असल ये एक हथियार है जो अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों को मजबूर करता है अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा जो है ना वो $140 बिलियन का है, और हमारे बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा खाली कर्जे की
इंटरेस्ट और किस्तों में चला जाता है। पाकिस्तान ने इस साल दिसंबर तक $10 बिलियन की पेमेंट करनी है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $3.5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। तो ये कैसे करते? इवन IMF भी अगर $3 बिलियन की अभी जो एग्रीमेंट हुई है वो दे भी दे तो पाकिस्तान कहाँ से पूरा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का रेवेन्यू तो है ही नहीं कुछ। तो इसलिए होता यह है कि पाकिस्तान अब भी ज़्यादा मतलब ठोक बजा के मांगेगा, कहाँ देखो मेरे पीछे IMF खड़ा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क कर्जा या भीख उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि उसको ये श्योरिटी ना हो कि ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। और जब वो देखता है कि IMF ने इससे एग्रीमेंट किया है तो ये एक तरह की गारंटी हो जाती है कि हाँ भाई हम इसको डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो पाकिस्तान को ये सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान की ट्रेड लेन देन सब बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद हो जाएगी, शदीद तरीन महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होगा, अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, डॉलर शूट कर जाएगा और डबल ट्रिपल भी कर सकता है करंट प्राइस से डॉलर अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, जॉबलेसनेस बढ़ जाएगी, कई मल्टीनेशनल पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी शेल चला गया, इंडस मोटर चला गया, अटलस मोटर चला गया, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा, आवाम के जितने पैसे बैंकों में वो सरकार जब्त कर लेगी। तो ये सारी सिचुएशन है कि IMF जब लोन देती है तो साथ में एक इकोनॉमिक प्लान भी देती है कि आपको ये चीज़ की प्राइस इतनी रखनी है, इतना टैक्स रखना है, पेट्रोल का इतना भाव रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब आपको ये खर्चे कम करने हैं, ये चीज़ें करनी है, यानी आप IMF के डिक्टेशन पे चले जाते हैं। अब कहते हैं कि आज जो अभी डील हुई है ये IMF के साथ, तो उसमें हमें खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? तो खुश इसलिए कि हम टेम्परेरीली डिफॉल्ट से बच जाएंगे, अब इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाएगा, और अफसोस इसलिए कि भाई 24 करोड़ का मुल्क अगर $3 बिलियन की IMF की किस्त पे खड़ा होने का सोच रहा है तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में जितना भी कर्जा लिया है ना टोटल पूरी दुनिया से, उसका 75% सिर्फ PTI गवर्नमेंट इमरान खान की 3 साल और 8 महीने में लिया। ये शौकत तरीन जो इमरान खान का फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा है, इसका इंटरव्यू मौजूद है गूगल पे। अब अजीज दोस्तों बात यह है कि लंबा चौड़ा इस पे डिस्कशन हो सकता है, सवाल यह है कि आपके पास प्लान क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो आपको अपने खर्चे कम करने हैं, वो आप कर नहीं सकते। जब आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए हज फ्लाइटें चलाएंगे, आपकी अपनी PIA ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुकी है, $48 मिलियन PIA को देने हैं सऊदी अरब के, अब सऊदी अरब फ्लाइटें नहीं जा पा रही, आप चार्टर्ड फ्लाइटें करके जा रहे हो सऊदी अरब पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, उनमें से कौन गरीब है? आप अगर लॉटरी लगा के भाई हम पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को फ्लाइट में हज के लिए लेके जा रहे हैं, चलो फिर समझ में आता है, हालांकि इस गरीब मुल्क को ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो अरबपति करप्ट तरीन टोलों को हज पे लेके जा रहे हो। आप ये देखें कि कितने मुसलमान मुल्क हैं, ये मीना के मैदान में हज के दौरान पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेनेटर तला महमूद मुलाकात कर रहे हैं, कोई दर्जनों पहुंचे हुए मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और जिसको देखो पहुंचा हुआ है। आप खर्चे कैसे कम करोगे? ये देखें, ये एक असिस्टेंट कमिश्नर है जो प्याज टमाटर की प्राइस चेक करने निकला है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में
छह पुलिस वाले इसके साथ हैं, एक पुलिस मोबाइल इसके पीछे चलती है। 1.5 करोड़ की गाड़ी में 6 पुलिस वाले तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब उनकी सैलरी सरकार के खाते से जा रही है ना, तो फिर क्राइम रेट तो बढ़ेगा जब पुलिस सारे इन्हीं कामों में लगेंगे। एंड हु द हेल इज ओनली एन असिस्टेंट कमिश्नर, नथिंग मोर देन दैट। तो आप सोचें, कमिश्नर, फिर मेयर्स, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल देखें तो 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलता है, सबका पेट्रोल फ्री है ना भाई। डिटेल में पहले मैं बता चुका हूँ कि किस तरह सबको इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पेट्रोल फ्री, सब कुछ। तो फिर आप खर्चे कैसे कम करोगे? तो अजीज दोस्तों, ये सारा सिलसिला चल पड़ा है। अलीम खान, जो कि नई पार्टी जो बनी है जहांगीर तरीन की, लोटा पार्टी, उसने कहा है कि हम इलेक्शन जीत के सरकार बनाएंगे ना, तो हम हर आदमी को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं ये बातें करते हैं, इनको पता नहीं है कि ये 1 रुपया भी किसी को देने से पहले IMF से अप्रूवल चाहता है, चाहिए होती है। एक तरफ IMF इसी इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट को बेस बना के 8 महीने से तुम्हें नचवा रही है, और तुम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करते हो। अबे भिखारियों, बात सोच के क्या करो, लेकिन पब्लिक फारिक का पब्लिक। अजीज दोस्तों, एग्रीमेंट पे आते हैं। एग्रीमेंट क्या है ये बताने से पहले ये बता दूं कि अब करना क्या होगा। अब आपको भाव बढ़ाने होंगे सब चीज़ों के। इलेक्ट्रिसिटी फी यूनिट 8 रुपया, 8 रुपया बढ़ाना होगा, और पेट्रोलियम लेवी 55 रुपया फी लीटर बढ़ाना होगा। 55 रुपया पेट्रोल महंगा करना होगा टुकड़ों टुकड़ों में। अब आपको मिलना क्या है? जो शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम औरंगजेब और ये 4-5 मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी सुना रहे थे, वो ये है कि IMF ने अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये है कि जो 2019 का जो प्लान था, जिसके तहत 1.1 बिलियन की किस्त के लिए 8 महीने से नाक घसीट रहे हैं, और टोटल $2.3 बिलियन बाकी थे उस प्लान में से, IMF ने उसके ऊपर एक प्लान बना के टेम्प्ररी स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये है कि आपको हम अभी $3 बिलियन देंगे, क्योंकि आपके मामला बहुत ख़राब है, तो हम आपको $3 बिलियन अभी दे देंगे, और बाकी फिर नया प्लान अब डिस्कस करके नया प्लान बनाएंगे, तो उसमें फिर ये $3 बिलियन आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, अब ये IMF की मैनेजमेंट पे गया है। अब IMF की मैनेजमेंट इसको देखेगी, और वो अगर मुनासिब समझते हैं तो वो इसको एग्री करके फिर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग जो 12 जुलाई को हो रही है उसमें डालेगी, ऑल्दो पाकिस्तान वॉज नॉट इन द एजेंडा, लेकिन फिर उस मीटिंग में जाएगा और वहाँ से अप्रूव होगा तो पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे किस्तों में। ये नहीं है कि $3 बिलियन एक साथ मिल जाएंगे, टुकड़ों में मिलेंगे। $1 बिलियन मिलेगा, 500 मिलियन इस तरह करके टुकड़ों में मिलेंगे, वो भी 12 जुलाई के बाद पता चलेगा। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी ये नहीं है कि यहाँ से काम हो गया है बस। हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर आके वो कर रहा है तो ऑब्वियसली देखें, IMF है ना, वो अमेरिकन सरकार के इशारे पे चलती है, जहाँ अमेरिका की सरकार कहती है वहाँ पे काम करती है। डेफिनेटली पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो अमेरिकन CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, उन सब से बैकग्राउंड में रबते में होगी। और पाकिस्तान का अभी जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की कमेटी बनाई थी, जिसमें कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, आर्मी जनरल्स हैं और डफर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में बेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे,
अब आपके पास है क्या जो आप अट्रैक्ट करोगे? आप समझते हो कि एप्पल भारत में अपना प्लांट लगा रहा है तो आपके यहाँ भी लगाएगा, तो आपके पास एक ही चीज़ रह जाती है, भाड़े की फौज। अमेरिका को अब कुछ नई जंगों की तलाश है, क्योंकि यूक्रेन में तो ये कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने अमेरिका के आगे अपनी खिदमात पेश की होंगी कि आप बताइए अब हमें क्या करना है। तो यू नेवर नो क्या हो सकता है, कोई नई नई जंग इलाके में छिड़े और उसमें पाकिस्तान किरदार अदा करे, या कहीं कोई नया तालिबान, नई ISIS बनानी होगी उसके लिए। तो अमेरिका ने, सरकार ने IMF को कहा होगा कि चल भाई अभी हमारे बच्चे को बचा ले, तो ये इसलिए बचाया गया है। अभी बहुत मरहले बाकी हैं, और अभी तो 3 बिलियन किस्तों में मिलने हैं, उससे क्या हो जाना है वो आपको भी पता है। सऊदी अरब $2 बिलियन दे देगा इसके बाद, $1 बिलियन इमारात दे देगा, ये दोनों ने जो वादे किए थे। लेकिन ये $3 बिलियन जो मिलेंगे सऊदी अरब और इमारात से, वो सिर्फ रखने के लिए, कि सजाने के लिए खजाने में। आप इसको खर्च नहीं कर सकते भाई, प्लीज़ इसको खर्च नहीं करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अजीज़ दोस्तों, ये कहानी है, सऊदी अरब से भीख मांगी, ये डब्ड वीडियो है, किसी ने डब किया है अपनी तरफ से, ये असल में इस तरह बात नहीं हुई, लेकिन आप सुनिए। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ला वल्ला नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। ला तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। मतलब ये जहां जाता है सबसे हाथ पांव जोड़ के, कान में इधर उधर, किस तरह से जलील किया हुआ है पाकिस्तान को इन लोगों ने। अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है, और अब ये है कि भाव बढ़ेंगे दबा के, वक्ती तौर पे डॉलर शायद थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन जो आगे कयामत है वो बाकी है। डिफॉल्ट ना करके भी पाकिस्तान डिफॉल्ट है, ऑफिशियली डिफॉल्ट नहीं किया, अनऑफिशियली पाकिस्तान टोटली डिफॉल्टेड कंट्री है। अजीज दोस्तों, इस पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान आर्मी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। इंपोर्ट वापस शुरू कर देंगे, थोड़ा पैसा आता है ना, ये फजूल खर्चियां शुरू। पैसा नहीं था तो आपने देखा कि हज का क्या इन्होंने किया था, मतलब आप ये देखें कि हर तरफ खर्चे की भरमार है, अय्याशियां इनकी खत्म नहीं होती। लेकिन अभी तो आए आए नहीं थे, तो अब आएंगे पैसे तो खूब इनकी फजूल खर्चियां होंगी। IMF से जितनी इन्होंने एग्री किए हैं ना, आम आदमी पे टैक्स बढ़ाना, सैलरीज पर्सन पे टैक्स बढ़ाना, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी जो खरीद रहे हैं गरीब आदमी उनके लिए महंगा करना, अमीर को, एलिट को तो मुफ्त में मिलता है सब। तो ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन जो कई बड़े वादे किए हैं ना IMF से, वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जब आप ये देखें कि ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए 8 महीने लगे हैं, तो आगे अभी सोचें कि कितना मुश्किल मरहला बाकी है। फिर आर्मी, अब आर्मी की बात करें तो शब्बर जैदी जो फेडरल FBI के जो डायरेक्टर थे, उनसे अभी इंटरव्यू इनका डिटेल में हुआ। उनसे पूछा गया कि आपको जनरल बाजवा ने किसी चीज़ से रोका तो नहीं अपने, जब आप FBI के डायरेक्टर थे, तो उसने कहा नहीं, बाजवा से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक करते हैं, और बाजवा ने मुझे खाली 2 चीज़ों से रोका, कि एक इस्लामिक स्मगलिंग को नहीं रोकना और दूसरा प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाना। सबसे प्रॉफिटेबल इस वक्त प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बहरिया टाउन, DHS, ये वो आप देख रहे हो, उस पर टैक्स नहीं लगाना क्योंकि सारे आर्मी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और स्मगलिंग को नहीं रोकना क्योंकि आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान और KPK के बॉर्डर से किस तरह अफगानिस्तान और ईरान से एक पैरेलल एक्सपोर्ट चल रही है, इंपोर्ट चल रही है, दबा के स्मगलिंग हो रही है और सारी कोर कमांडर्स की निगरानी में हो रही है, तो फिर उसको रोकोगे कैसे? साफ मना किया उसको, इसने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप लगाओगे तो इसमें हमारे लोग आ जाएंगे, इसलिए हाथ होला रखो। अजीज दोस्तों, शब्बर जैदी ने क्या कहा
ये आप सुनिए जरा। आप जब थे एफबीआर में तो उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ उनके मुशावरत से उनकी मर्जी से चलते थे? किसके साथ? आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे जनरल बाजवा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ निहायत करीबी ताल्लुकात थे आर्मी चीफ के और उन्होंने मुझे हर मौके पर हर जगह पर सपोर्ट किया। जब मैंने कुछ बड़े लोगों को ट्रांसफर किया और मुझे कुछ थ्रेट्स आई, फिजिकल थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ, पर्सनल थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे खासतौर पर एक मैसेंजर भेजा और उन्होंने कहा कि देखो शब्बर, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। और शायद आपको पता नहीं है, मैं सीबीआर का वाहिद चेयरमैन था जिसके साथ दो कमांडो की जीपें किस तरह चला करती थी। आपने कभी सीबीआर के चीफ के साथ दो कमांडो की जीपें नहीं देखी होंगी? ठीक है, मेरे साथ दो कमांडो की जीप चलती थी क्योंकि मैं स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाल चुका था। सर ये लेकिन आप जो कहा जा रहा है, मेरे पास एक और सवाल आया कि ये हमने स्मगलिंग रोकनी है। मुझे याद है एक कमेटी बनी थी आपके वक्त में भी, ये जो अभी जो बना है SIFC, एक आपके दौर में भी बना था। उस वक्त भी मुझे याद है कि स्मगलिंग को क्रैक डाउन करने के लिए, बॉर्डर पोरस जो है उसको रोकने के लिए। स्मगलिंग पे मैं आपको बताता हूँ सर, मैंने स्मगलिंग पे हाथ डाला, मेरा कोयटे का कलेक्टर को गोली मारी गई। आप मेरा दुबारे का टाइम देख ले, जब मेरे कोयटे के कलेक्टर को गोली मारी गई तो अगले दिन मैं मेरे दफ्तर में बहुत सीनियर अफसर वहां बैठा हुआ था, मेरे कमरे के अंदर बैठा हुआ था। मैंने कहा सर आप किस लिए आए? उसने कहा सर मैं शेपर साहब इसलिए आया हूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर 150 मील तक जो लोग रहते हैं उसमें किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्मगलिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपने स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला तो वहां पर पॉलिटिकल क्योस हो जाएगा, हमसे लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो आप यानी आपको धमकी लगाई उन्होंने आके, आपको डराया कि ये ना करें? याद है आपको? याद है मुझे? याद है मुझे, वाकयात वो याद है उसे। अब मुझे बताएं कि मैं आपने सो नाम लेना चाहता, आपको पता है कौन साहब थे? अब उसके बाद मेरे पास जुबैदा दलाल साहब आई, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मेरे तो आधा गांव ईरान में है। आपको पता है इस वक्त ग्वादर में अगर आप चले जाएं तो ग्वादर में जितने भी कंज्यूमेबल आइटम मिलते हैं वो सब ईरानी स्मगल्ड होते हैं। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं काशिप? तो यहाँ पे कोई इन चीजों को खत्म नहीं करना चाहता, आप ये कह रहे हैं? ये स्मगलिंग, चोर बाजारी, करप्शन, ये हमने ऐसी चीजें साफ पाल ली हैं। आप मुझे बताएं कि जब मैंने स्टील मिलों पे हाथ डाला, बलूचिस्तान के अंदर ये जमरूद में जो लगी हुई है स्क्रैप वाली मिलें, तो आपको पता है कि क्या हुआ? सारे सेनेटर आ गए पीटीआई के, उन्होंने कहा सर ये बंद छिपर साहब को। और सर ये टोबैको के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की तो क्या हुआ था? टोबैको जब मैंने टैक्स लगाया तो टोबैको में होता है जहां पर ये टोबैको को ना हम लोग एक कढ़ाई में बना के उबालते हैं उसको यूनिट कहते हैं, तो उससे अगर उनको अगर कंट्रोल कर लें तो टोबैको की आपको प्रोडक्शन को मैनेज हो जाती है। मैंने कहा यार ये टोबैको वाले जो ना ये सिर्फ 500 रुपए टैक्स दे दें, हमें सिर्फ इसको इसलिए लाना है कि हमें पता लग जाए कितनी टोबैको बनती है। मुझे कॉल किया गया नेशनल असेंबली की कमेटी में और एक डेलीगेशन आया लेड बाय सम एमएनए तराकी या कौन सा था पीटीआई का, जिसे पीटीआई के फ्रंटियर के 40 एमएनए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा शब्बर साहब ये नहीं हो सकता, इसको वापस लें। सो आपने जो करने की कोशिश की हुकूमत के अंदर से, इसी ऐवानों के अंदर से, कहीं दूसरे इदारों से आपको रोक दिया गया ये काम नहीं करना? जब मैंने टैक्स दिया एग्रीकल्चरल इनकम को कि ये एग्रीकल्चर इनकम को रिकंसाइल करें अपनी इनकम जो डिक्लेयर हुई है, तो उसमें 40 एमएनए मेरे पास आए, उसमें तमाम पार्टी के एमएनए थे एंड डेलीगेशन वाज लेड बाय मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। और उसके अंदर जो मुझे हमेशा से याद रहेगा सारी जिंदगी, उसमें एक एमएनए थे ये आपके नसरुल्लाह दरेशक साहब। जी जी, नसरुल्लाह तब सारे बंदे बात करते रहे। उसके बाद आखिर में नसरुल्लाह दरेशक ने मुझे कहा कि बेटा मेरी बड़ी उम्र है, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, तेरी उम्र कम है, तू ये काम नहीं कर, तेरे बस का काम नहीं है। वाओ, सो आप जब भी निजाम ठीक करने की तरफ जाते हैं इसी निजाम के बेनिफिशियरीज आके सामने खड़े हो जाते हैं। जब मैंने रिटेलर्स पर हाथ डाला और जब मैंने कंसीड नहीं किया और रिटेलर की और मेरी आखिरी मीटिंग आप बताएं किस जगह, किस लोकेशन, कौन सी लोकेशन पर हुई थी? आई डोंट रिमेंबर, अगर मैं माफी चाहता हूं। नहीं, वो लोकेशन सिविलियंस की नहीं थी। अच्छा, मैस में की थी आप? अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा मकसद है, देखिए तो आप सोचे ना कि किन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ गया, समझे मेरी बात? समझ गया। आशिफ ये वो चीजें हैं जो हमें, मैं किसी की बुराई है। और सर वो स्मगलिंग का मैं फिर दोबारा वापस आऊंगा, आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी स्मगलिंग क्यों नहीं रोक पाए आप?
ये जो मैं जो कमेटीज टीम्स बनी थी उसमें मुझे याद है आर्मी चीफ भी उस वक्त बैठे थे जब स्मगलिंग रोकने के लिए मीटिंग की गई थी, फौजी बैठे थे, सब बैठे थे। सर मुझे नाकाम कैसे सर, हुआ मुझे एक बात, नहीं मैं आपको बताता हूँ सर, मुझे ईमानदारी से बताएं क्या आप स्मगलिंग वाया ईरान रोकना चाहते हैं? आप मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, किसी दिन आप डीजीआई और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को बुला लें, अगर वो कहते हैं रोकना चाहते हैं फिर मुझे बिठाते सामने। सर वहां पे प्रॉब्लम ये आ गई है काशिप, समझो मेरी बात, बलूचिस्तान में जो इस वक्त अगर 50 लाख की आबादी है ना, तो 50 लाख की आबादी में से 30 लाख की आबादी का रोजगार स्मगलिंग पर है। हाँ लेकिन सर इसमें उनका तो रोजगार है लेकिन बेनिफिशरीज कोई और है ना? नहीं ना वो हाँ, तो मगर रोजगार में प्रॉब्लम ये आ गई है कि रोजगार को मारोगे तो वो लोग वहां रिवॉल्ट हो जाएगी। वो उसने मुझे यही कहा, जो बंदा आया था उसने मुझे ये कहा शेपर साहब वहां रिवॉल्ट हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। कहता है और ये जो अफगानिस्तान की दूसरी साइड है, ये तो आप एक बॉर्डर की बात कर रहे हैं, नहीं एक बात और सुने, वो ये कहते हैं कि अगर ऑयल आ रहा है, अगर ऑयल आ रहा है 30% ऑफ दी डीजल वहां से आ रहा है, 30% ऑफ डीजल, और उसके लिए पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज यूटिलाइज नहीं हो रहा, समझ आई मेरी बात काशिप? समझ गया, तो आंखें बंद कर दो, तो हमारा डॉलर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाजार का डॉलर इस्तेमाल हो रहा है। अगर तुम ऑफिशियली इंपोर्ट करोगे तो पाकिस्तान का डॉलर जाएगा ना। अच्छा, तो काशिप मेरे मुझसे नहीं खुलवाओ, मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है। कोई एक आधी और कहानी सुना दे उसके बाद मैं बंद करूं प्रोग्राम। एक आधी तो सुना दे। आपका आप ये सोचो अगर 30% डॉलर 30% ऑयल आ रहा है, डीजल आ रहा है ईरान से, तो उसका जो पेमेंट जा रहा है वो तो नहीं जा रहा ना वाया एलसी। ओके वो तो पाकिस्तान के फॉरेन शेयर पे आपका बटन नहीं आ रहा ना, वो सारा हवाले से एडजस्ट हो रहा है ना। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आपने कंक्लूजन ये निकाला अपने टेनर के एंड में, जिसपे आपने कहा यार ये ना मुल्क ठीक हो या ना लोग ठीक इसको करना चाहते हैं। देखिए मेरी जाती कमजोरी थी कि मैंने मुझे वहां पे बैक डाउन करना चाहिए था नहीं, मगर मेरी सेहत ने मेरी फैमिली ने मुझे कहा, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अगर आपने मजीद प्रेशर लिया तो आपको कोई तकलीफ हो जाएगी तो आप इसलिए चले जाएं। मैं तो शायद इसलिए कट जाता, मगर मेरी वालदा और मेरी बेगम ने कहा नहीं। तो दिस इज द सिचुएशन अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। आपने शब्बर जैदी का इंटरव्यू भी देखा, शब्बर जैदी इसीलिए शायद सरकारी क्वार्टर्स में पसंद नहीं किए जाते कि ये सच बोल जाते हैं। थोड़ा पागल आदमी है, कराची का है, शिया है, लेकिन ये एक बोल जाता है भाई जो होता है सब। तो लेट्स सी कहाँ तक पाकिस्तान की इस छकड़ा गाड़ी को धक्का लगता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।